प्लेजर माउंटेन में आपका स्वागत है। मैं जीकेएस रावत इस वक्त हूँ मैं इंदिरापुरम में, जहाँ के महाकुंभ का आगाज आज हो गया है, जिसकी थीम है माँ गंगोत्री। यहाँ पे आपको उत्तराखंड के हर रंग देखेंगे आपको, चाहे वो खान पान हो, चाहे वस्त्र वेशभूषा हो, चाहे हथकरघा हो, लोकगीत हो, लोक संगीत हो, हर तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक भव्य आयोजन है और वैसे माउंटेन आपके साथ हर पल आपको यहाँ की पल पल की खबरें दिखाता रहेगा। आप बने रहे वैसे माउंटेन के साथ। गोविंदाय नमो नमः देवादीनं जगत् थोड़ा इधर करना पड़ेगा। बढ़िया से बता, बढ़िया। धन्यवाद। जितने भी यहाँ भाई बहन हैं, सारे लोग हैं, उनको सबको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। हिमालय न्यूज और वॉइस ऑफ मूवमेंट के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और मुख्यतः बात आज इस जागरण का, इस महाकौतिक का उद्घाटन हुआ माँ भगवती की डोली के साथ और माँ गंगा की दिव्य आरती के साथ और पूजा पाठ के साथ श्री गणेश आज इस कौतिक का हुआ। हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक
जिले के लोग यहाँ पर आते हैं, जो दिल्ली में और दिल्ली NCR के लोग हैं, वो इस महाकौतिक को देखने के लिए, महाकौतिक में आने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो वेशभूषा है, वो कहीं से लुप्त होती जा रही है। आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई गांव पलायन हो चुके हैं। जब से हमारा उत्तराखंड बना है, तब से कई लाखों घरों में ताला लग चुका है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और इस गौथिक के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को दोबारे से रिमाइंड करना चाहेंगे। हमारे यहाँ के लोग उस संस्कृति को देखेंगे, और मुख्यतः जो बच्चे हमारे, वो समझें कि हमारे गांव में, हमारे पहाड़ में, हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होते थे, उसको माध्यम से हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ के संयोजक और समस्त टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए। और जाता है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। गंगोत्री को ध्यान में रखकर, वहां से पावन जल लाकर गाजियाबाद में यह लाया गया है। वास्तव में यह गाजियाबाद के निवासियों के लिए एक बहुत ही पुनीत और पर्व का कार्य है। आप हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।